बिना सीखे ऑडिशन मत देना, क्योंकि ये गलती मैंने खुद ही रही किया है। नहीं, क्या होता है ना कि अगर लकली लक्की अगर आपका किस्मत है, ठीक है, अगर मान लो कि गॉड ने आपको किस्मत दी और आपको काम मिल भी जाता है, तो एक दिन दो दिन तीसरे दिन डायरेक्टर भगा ही देगा, क्योंकि पता नहीं है ना आगे क्या कि करना आगे था क्या उसको करना पता है। ये भी नहीं पता कि कैमरा का एंगल किसको कहते हैं, क्लोजअप किसको कहते हैं, लॉन्ग शॉट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कब पोज लेना है। वो पहला दिन देगा, दूसरा दिन आपको मेंटेन करेगा, तीसरा दिन भगा देगा। और अगर वो आपको भगा देता तो पूरी इंडस्ट्री में आपकी नाम बदनामी हो जाएगी, फिर आपको काम नहीं मिल सकता। मेरे साथ भी हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाक्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ दीपिका, करीना, शाहरुख, सलमान, अक्षय, ये सब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये लोग बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2023 में लेट्स एक्ट में स्टूडेंट्स शूटिंग करते करते एक्टिंग सीखेंगे, उसकी दोस्तों शुरुआत हो गई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों को वो प्रोसेस मैं शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हाथ में जो स्क्रिप्ट है, ये एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है, और मेरे साथ जो ये सारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लेट्सएक्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं। बाकायदा उन्होंने ऑडिशन दिया था और उस ऑडिशन को क्रैक करके उन्होंने इस रोल को हासिल किया है। सो हम इन लोगों से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कि इस शॉर्ट फिल्म की प्रोसेस में वो क्या सीख रहे हैं, कैसा उनको लग रहा है काम करते वक्त। और मेरे साथ नेहा भी है, नेहा लेट्सएक्ट की स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है और अब वो ऑडिशन भी देती है। एट द सेम टाइम लेट्सएक्ट में भी वो पार्ट टाइम में काम करती है। काम क्या करती है, जो हमारे प्रोजेक्ट है, जैसे शॉर्ट फिल्म है, नाटक है, उसमें वो असिस्ट करते हैं, आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं ताकि वो लोग कैरेक्टर में अच्छे से जा सके। सो शी इज़ पार्ट ऑफ लेट्सएक्ट फैमिली। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और आप सबका भी वेलकम, क्योंकि आप है इसीलिए ये हम मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन था, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी जब मैं आगे गया। फर्स्ट टाइम यूँ जैसे लाइटिंग वगैरह हुआ, बट फिर भी जैसे तैसे मतलब सिलेक्शन इसमें हो चुका है, लेकिन आगे अपना बेस्ट देना है। और आजकल हम लोग इसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और उसमें नेहा मैम है जो कि यहीं से पास आउट है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, जो हमें इस शॉर्ट फिल्म के लिए हमें ट्रेन कर रही हैं। तो अभी देखते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब किस तरह का ये शूट होने वाला है और कैसे, यू नो, फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है एक शॉर्ट हेलो फिल्म। एवरीवन, आई एम अरशद, आप लोग का मैक्स। हम लोग का शॉर्ट फिल्म बन रहा है, ऑडिशन हुआ था, उसमें हम जितने कैरेक्टर के बच्चे हैं वो लोग का सिलेक्शन हुआ था। काफ़ी खुशी मिल रही है कि एक बाकायदा प्रॉपर शूट होकर के हम लोग का शॉर्ट फिल्म आप लोग के सामने आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छा मेहनत करें और बहुत चीज़ें सीखें और आप लोग के सामने बेस्ट दें, ताकि आप लोग को पसंद आए। जैसा कि शंकर ने बताया कि नेहा दी हम लोग को सिखा रही है, बता रही है कि कैसे करो, कहाँ पर पोज लेना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत नाम मेरा नाम कमाएंगे। है बबीता, मैं यूपी से हूँ। अभी हम लोग कुछ मंथ ही पहले आए हैं यहाँ पे लेट्स एक्ट में, और यहाँ पे एक एक्चुअली शूट होने वाला है जिसमें मुझे रूही का कैरेक्टर मिला है, लीड एक्टर का। तो मैं बहुत खुश हूँ, और नेहा दी हैं जो बहुत अच्छा सिखा रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे पहले ऑडिशन हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हुई और ये सब भी हेलो सिलेक्ट हुए। एवरीवन, आई एम पूजा सिंह एंड आई एम फ्रॉम भोपाल एमपी। सो मैं अपना जो शॉर्ट फिल्म शूट होने जा रही है हमारी क्लासेस में, मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत हमेशा से एक शाय, सेंसिटिव और एकदम इमोशनल लड़की रही हूँ हमेशा से। मतलब मेरा मुंबई आना, लेट्स एक्ट को ज्वाइन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड फाइनली मैं मुंबई आई, मैंने क्लास ज्वाइन की, एंड देन अब मुझे क्लास में 1 month हो चुका है। सो इट्स एन प्रिविलेज टू मी दैट कि एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पे शूट हो रही है, उसके ऑडिशन स्टार्ट हुए, एंड देन मैंने उसका ऑडिशन दिया। एंड आफ्टर ऑडिशन ऑडिशन इट्स माई फर्स्ट ऑडिशन, तो मैं ऑडिशन में बहुत नर्वस थी। मैं सोची थी मैं ऑडिशन ही नहीं दूंगी, बट फाइनली मुझे सबने
मोटिवेट किया कि नहीं तुमको ऑडिशन देना चाहिए, ये रोल तुम कर सकती हो। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फिर भी मैं नर्वस थी कि कैसे क्या होगा, मेरी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये। सो आफ्टर दैट सर ने समझाया कैसे क्या होगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद नेहा दी है हमारी, जो कि एक स्टूडेंट रह चुकी हैं लेट्स एक्ट की, जो कि हमको हेल्प कर रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले लेट्स एक्ट में एडमिशन लिया था। हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से, आप जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है, जिसका ऑडिशन कुछ दिन पहले ही हुआ था और उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब ऑडिशन हो रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरे पूरे कैरियर का पहला ऑडिशन था। तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस थी इस फेस पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बहुत ही डर लग रहा है, क्या करूँ कैसे ऑडिशन दूँ। तो फिर मैम ने समझा, बोला कि कुछ नहीं करना है, डरना नहीं, पहले तो बिल्कुल भी डरना नहीं, और जो नेचुरल है उसको करना। सो मैंने वो चीज़ किया और मैंने फाइनली मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे कैरियर का पहला ऑडिशन है, पहला ये प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो सर से मैंने जो सीखा है मैं वही बच्चों को सिखा रही हूँ वापस से, कि हाँ एक एक का कैरेक्टर, और बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसको, सीरियस ले रहे हैं। और नहीं तो ऐसा लग रहा था कि मीन्स के रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा बोला मतलब, लेकिन ये लोग अच्छा सा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इनको करना है वो एक एक कैरेक्टर के, नहीं बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोग बहुत मेहनत, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर रहे हैं लोग, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ करने का। सो कुछ समय पहले आप लोग अपने गांव में, अपने शहर में थे, और जैसे आप थे वैसे अभी हमें जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, अपने व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका भी सपना है मुंबई आने का, एक्टिंग सीखने का और कुछ करने का। तो तुम लेट्स एक्ट में आए हो, एडमिशन लिया है, सीख रहे हो, तो लेट्स एक्ट का एंटायर एक्सपीरियंस आपका कैसा है? मुझे लेट्स एक्ट की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीरियसली स्टूडेंट्स को कोर्स और जो भी एक्टिंग में जो भी एक्सरसाइजेज है, जो भी एक्टिंग का कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एज अ स्टूडेंट सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं या कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या चल रही है क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर हर एक स्टूडेंट्स, यीरम मैम हो गई, रूबी मैम हो गई डिक्शन की, वो सब पे अपना प्रॉपर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन करती हैं, सबको अपना वो देती हैं कि सारे स्टूडेंट्स जिसकी जो प्रॉब्लम है वो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ पाए और अपना एक्टिंग में अच्छे से वो कर पाए। तो ये मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू। ओके, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, लाइक ये जो महीना भर का ड्यूरेशन है, सोच में क्या परिवर्तन आया एक आर्टिस्ट के तौर पे? सर सोच में ये आया कि एक्चुअली मैं पहले मतलब ज़्यादा स्टार्टिंग से ऐसा रहता था कि मैं बहुत शाय थी हमेशा से, हर चीज़ में पीछे रहती थी, कभी कुछ नहीं करती थी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मतलब कि चेंज है कि मैं एक स्टूडेंट, एक वहाँ से निकल के आई और फिर मैंने एकदम अपने अपोजिट जो मेरा है ही नहीं जो फील्ड, उसमें मैंने एंटर किया और मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। तो जब जो एक डेढ़ महीने में जो चेंजेस आए कि काफ़ी थिंकिंग में चेंजेस आया है कि नई चीज़ें हो सकती है, ऐसे नहीं है आप अगर चाहो तो कुछ भी आप कर सकते हो, आप अपना घर सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो आप यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, विनय सर क्लास के लिए सबको प्राउड फील कराना है कि नहीं अगर आप किसी चीज़ के लिए आए हो तो आप उसमें एक ना एक दिन सक्सेसफुल रहो। और एज अ मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन सही था लेट्स एक्ट पे आने का, क्योंकि काफ़ी मुंबई में क्लासेस का मैंने देखा हुआ है कि सब थ्योरी पे ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन विनय सर है और यहाँ पे जो भी जितना भी सब कुछ होता है सब प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। तो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी एक्टर है, वो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सीखेगा ना, विदाउट कुछ भी आप थ्योरी रिटर्न करा रहे हो, कुछ भी आप मोटिवेट कर रहे हो उससे ठीक है, वो मोटिवेशन के लिए या नॉलेज के लिए ठीक है, बट जब तक आप फील्ड में नहीं आओगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे उस चीज़ों को, तो जब तक वो चीज़ें आपसे नहीं हो सकती। तो सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही मैदान में उतार रहे हैं कि नहीं आपको जो भी करना है, जो भी सीखना है प्रैक्टिकली सीखो मतलब। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे फैकल्टीज़ की, क्लास की, और बाकी सब सर बहुत सपोर्टिव है,
एकदम पेरेंट्स की तरह गाइड की तरह ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का, हमेशा हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और बाकी सब भी बहुत अच्छा है। मैं साथ में बैठा हूँ इसीलिए तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर, सर साथ में बैठे हैं, बोलना पड़ेगा। ये भी हम रखेंगे वीडियो में। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि जो लेक्चर के मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ना क्या का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं अपने घर से फर्स्ट टाइम इतना दूर आया हूँ। माँ बोलती थी कि जाओगे कैसे रहोगे क्या नहीं, मैं भी बहुत यही सोचता था कि यार घर से इतना दूर पहली बार फैमिली को छोड़ के आ रहा हूँ, कैसा वहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या कैसे लोग होंगे। बट ये चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है पूरा फैमिली वाला है, सर हैं, मैम लोग हैं, एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली रहते हैं कि कोई घर का जो क्या बोलते हैं उसको कमी महसूस नहीं होने देते कि इतना दूर आया हो, घर से माँ को छोड़ के आए हो, पापा को छोड़ के आए हो, तो वो चीज़ महसूस नहीं होता है। इसी में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ का वो इन्वायरमेंट है वो फैमिली वाला है, सब एक दूसरे के साथ अच्छा से रहते हैं, अच्छा से बिहेव करते हैं, ये नहीं फील होने देते कि आप अलोन हो, आप अकेले हो, ये लगता है कि हाँ मेरे पीछे भी हैं। सर सर हमेशा बोलते हैं कि कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम सबके साथ हूँ, कभी ये गिल्टी फील नहीं होने देते हैं कि यार ये अकेले कहीं जाएंगे ये हो। तो सर का ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैम लोग भी हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रहती हैं हम लोग के साथ, बहुत अच्छे से सिखाती हैं हम सबको, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा था, बट मुझे लगा था कि लेटसेक बहुत ही अच्छा होगा, फाइनली मैं आया तो सच में बहुत अच्छा है लेटसेक। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए लेटसेक को बिना किसी डाउट के, क्योंकि यहाँ पे जो सर हैं मैम लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग किसी बिना किसी डाउट के लेटसेक आइए और यहाँ देखिए क्या होता है। अभी क्या है कि हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग को शॉर्ट मूवीज में, शॉर्ट फिल्म में काम भी मिल रहा है, तो एक्चुअली वो क्या जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। सो सर थैंक यू सो मच ऐसा इन्वॉल्वमेंट देने के लिए फैमिली वाला। जैसा कि प्रिंस और पूजा ने बताया कि यहाँ पे सर और मैम फैमिली टाइप के हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ एडमिशन के लिए, मैं पहले सोचती कि पता नहीं कैसे होंगे, मतलब मुझे डर लगता था, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैम कितनी अच्छी हैं, सर कितने अच्छे हैं, वो मुझे भी अच्छा लगता है। और यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी चेंज हुई हूँ, क्योंकि पहले मुझे डांस भी नहीं आता था, और यहाँ पे जब मैं आई तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक पार्टी था, फेयरवेल पार्टी, उसमें मैं डांस किया था, और सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट पता नहीं, बट मैंने किया, अच्छा किया था, अच्छा किया, बट मैंने किया। और उससे पहले मैं कभी भी डांस नहीं की थी, तो यहाँ पे आने के बाद मैं काफ़ी चेंज हुई हूँ सर। जब हर किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को नीचे बता दिया, इसको ऊपर बता दिया, ये चीज़ मुझे मतलब सबसे यूनिक लगी और सबसे अच्छी चीज़ है कि सबको एक ही मतलब एक ही लेवल का, ऐसा नहीं है कि भाई तू मेरे लिए ऊपर है तू नीचे है, इस टाइप के नहीं है। और सर लाइक ऐसे हैं कि जैसे दोस्तों में होता है कि दोस्तों से आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, बल्कि सर हमें कहते भी हैं कि कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो मुझे बताओ, तो ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट यहाँ की लगी है। और ऐसे में करने में मज़ा भी आता है, हम लोग खुद खुल के मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। मुझे अभी याद है एक महीने पहले जब मैं आया था, मेरे में मतलब स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐसे में कांपने लग जाता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने स्वरूपा मैम से बात की, उन्होंने मुझे समझाया भी, मोटिवेट किया और कहा कि आप मतलब एकदम खुला होके स्टेज पे आ जाओ। और उसके बाद मैंने वही चीज़ फॉलो करी है। अभी थोड़ा डिक्शन में भी दिक्कत है, डिक्शन वाली मैम भी बहुत अच्छी हैं, वो हमें मतलब प्रॉपर सिखाती हैं, मतलब हर रोज़ उनके क्लासेस होते हैं, और हमें कुछ भी पूछना हो तो ऐसे नहीं कि उनके अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो उनसे पूछ नहीं सकते हैं, बल्कि हम तो बाहर जाके भी उनसे अलग से मतलब पूछते रहते हैं कुछ भी अगर डिक्शन से रिलेटेड हमें पूछना हो। और यही है, खैर विनय सर के बारे में तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कमी है, मतलब हर चीज़ एकदम बोलते हैं, हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, लाइक कि आप खुल के आपको जो होता है आपसे नेचुरल करो, यहाँ पर आप ऐसा करो, मतलब हर जगह। और मैंने ऐसे भी मतलब देखे हैं यहाँ पर हमारे सीनियर्स जिन्होंने यहाँ से मतलब जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो विनय सर से बात करते हैं और विनय सर उनकी हेल्प भी करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी है यहाँ की। और अभी हमारा चल रहा है शॉर्ट फिल्म का, और तो शॉर्ट फिल्म में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ना मेरा एक ड्रीम था कि मैं जाऊंगा तो सर के पास ही जाऊंगा लेटसेक। सर का एक अंधेरी में भी था, मैं वहां पर भी आया था, वहां पर शुभम था सर, शुभम आपका स्टूडेंट था, शुभम ध्रुव, तो मैं वहां पर भी गया था सर से ना उस दिन सर से मुलाकात हो पाई ना स्वरूपा मैम से मुलाकात हो पाई,
तो मैंने वहाँ के स्टूडेंट लोग से मिला, उसके बाद मैं फिर चला गया और उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया तो नहीं आ पाया, बैड लक। लेकिन अब आया हूँ और बहुत अच्छा फील होता है, क्या बताऊँ। इरम मैम है, रुबीना मैम है, स्वरूपा मैम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सीरियसली बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ कि एक क्या बोलते हैं फैमिली और सर का भी व्यवहार जो है कि बहुत, मैंने बहुत बंदे को देखा है क्योंकि मैं स्पोर्ट प्लेयर रह चुका, तो मैंने बहुत बहुत लोगों से मिला है, तो मेरे को बंदे से देख करके एक एक्सपीरियंस हो जाता। तो वो क्या होता है ना कि टाइम देता है, आधा घंटा का टाइम, आधा घंटा देगा भैया फिर कौन हो। लेकिन सर की एक चीज़ अच्छी लगती है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना वो अपने बच्चे इनके साथ बैठ के चिल मारना, वो मारना, अगर वो बोलते हैं कि तुमको किसी से कुछ भी हो मेरे से आकर के बोलो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप आना चाहते हो तो आप लेट से आओ और फुल इंजॉय करो, सीखो, आगे बढ़ो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम कोशिश करते हैं लेट्सैक में कि देखो दो तीन चीज़ें होती है, एक तो हम चाहते हैं कि एक्टर्स का वाई बहुत क्लियर हो, वो क्यों आया है, क्यों एक्टर बनना चाहता है वो क्लियर हो। दूसरी बात जहाँ मोटिवेशन की आती है, तो अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो बच्चों का ड्रीम, बच्चों का टारगेट, उनको हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि तू आया क्यों था, तू करने क्या वाला था। कई बार ट्रेनिंग के दौरान उनसे अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उनको लगता है यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, और ना उम्मीद हो जाते, उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसा हुआ है बहुत बार कि यार इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से कैरेक्टर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर मोटिवेशन काम में आता है कि नहीं तू कर सकता है, एक किसी ने अपने पीठ पर हाथ रख के बोला कि बेटा तू कर सकता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं ज़रूर कर पाऊँगा। और अगर कोई अपने पास आके बोलेगा तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तो जो करने वाला इंसान है वो भी नहीं करता। इसीलिए लेट्सैक में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। हम हर एक्टर को यही बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्टर्स के साथ रहो। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनमें जो एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, मेहनती है, फोकस्ड है, उनके साथ रहो ताकि आपका भी करियर ब्राइट होगा। लेट्सैक में मेरे अलावा फैकल्टी है, अभी क्लास का प्रिंसिपल हर क्लास नहीं लेता, तो उसी तरीके से हर टॉपिक को सिखाने के लिए एक स्पेशलाइज फैकल्टी है। जैसे हमारे पास इरम मैम है जो एक्टिंग के फैकल्टी है, रुबीना मैम है जो डिक्शन के फैकल्टी है, आकाश सर है जो डांस सिखाते हैं, शरीफ सर है जो फाइट सिखाते हैं, और इनके इनिशियल लेवल पे जो ग्रामर होता है, एक्टिंग का ग्रामर, उसके कॉमन सेशन होते हैं जो मैं कंडक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर आते हैं संतोष संकत सर, जिनके वीडियोस आपने देखे होंगे, वो कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं। उसके बाद फिर कैमरे के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ये सब बेसिक कोर्स में चलते ही रहता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना इन्होंने पे किया है उससे ज़्यादा ही इनको मिले। और अब जो कोर्सेज शुरू हुए हैं शूटिंग करते करते सीखने वाले कोर्स, तो उन कोर्सेस में क्या होगा कि जैसे ये स्टूडेंट इस स्क्रिप्ट को लेके परफॉर्म करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वैसे ही आगे आने वाले स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म में या वेब सीरीज़ में परफॉर्म करेगा, शूट करेगा, वो एक्सपीरियंस लेगा जो आपको इन सब स्टूडेंट्स ने बताया। और उस एक्सपीरियंस की वजह से फ़ायदा क्या होगा कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे, पास आउट होंगे, तो इनके पास वही वीडियो, वही शॉर्ट फिल्म, वही वेब सीरीज़ शोरील के तौर पर होगी। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को भेज सकते हैं कि भाई ये देख मेरी शोरील, ये देख मेरा वीडियो, इसमें मैंने काम किया था। तो वो काम, प्रोफेशनल काम जब देखेगा सामने वाला, तो उससे उसकी एक्टिंग समझ में आएगी कि ये किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सेट पे जाने के बाद उनके अंदर डर नहीं रहेगा। जैसे इस शूट में उनको मेकअप आर्टिस्ट भी होगा, उनके लिए सेट में कुछ जो ज़रूरी बातें वो भी ली जाएगी, तो प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहा है, वो बार बार चेक कर रहा है कि इसका मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम सब सही है या नहीं है। वो ट्रीटमेंट एक्टर को बहुत पावर दे के जाती है, उस ट्रीटमेंट से उसको लगता है कि नहीं यार मैं एक वर्किंग एक्टर बन गया हूँ। बाहर निकलने के बाद जब उनको वैनिटी वैन मिलेगी, जब उनको यही सारी ट्रीटमेंट मिलेगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं यूज़ टू हूँ यार, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, और साथ साथ सीख भी रहे हैं। जैसे शंकर ने बताया कि मेरा डिक्शन का प्रॉब्लम है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो वो पास आउट होने तक इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसके शब्दों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कैमरा फियर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेज फियर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नाटक भी उनके साथ होता है। तो यही कोशिश होती है, ट्रेनिंग इसी के लिए होता है,
जो लोग डायरेक्ट आके काम शुरू करते हैं, तो अभी मैं आप लोगों को भी सवाल पूछूंगा कि अगर आप डायरेक्ट आते और बॉलीवुड में काम शुरू करते, ऑडिशन देते, तो क्या वो सही होता? नहीं सर। क्यों? कर ही नहीं पाते सर। क्यों ऐसा लगता है कर नहीं पाते? क्योंकि पहले हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कहाँ पे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो नहीं कर पाते, मुझे लगता है ऐसा। ट्रेनिंग के बगैर नहीं कर पाते? हाँ। क्यों ऐसा लगता है सर? क्योंकि काफी, मतलब ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना आप लोगों को, अपने चैनल पे तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर्स है, और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा 4-5 कंट्री में अपना यूट्यूब चैनल देखा जाता है, और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो पैसे ना होने की वजह से ना मुंबई आ सकते हैं ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उनको गाइड करने वाला कोई होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग एक समय उस जगह पर थे कि यार मैं डायरेक्ट मुंबई जाऊँ, डायरेक्ट ऑडिशन शुरू करूँ, लेकिन आपने ट्रैक चेंज किया, आपने सोचा नहीं पहले ट्रेनिंग लेता हूँ, अब ट्रेनिंग को भी आ गए हो, आपने वो भी फेस देखा कि डायरेक्ट शुरू करता हूँ, आप ट्रेनिंग में भी आए, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं, अच्छा हुआ ट्रेनिंग में आया, मैं डायरेक्ट बॉलीवुड में ऑडिशन देने के लिए नहीं गया? सर क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइक कि जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आता है, जैसे मैं भी था, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं मेरे को मतलब पहले से ही आता है, मैंने काफ़ी देख रखे हैं ये ऐसे करना है, जब यहाँ पर आया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने सिखाया है 5 W's वगैरह, पिच कहाँ पर हाई रहेगी कहाँ पर, और स्पीच पे कैसे ध्यान देना है, प्रॉपर डिक्शन चाहिए सबसे पहले, तो ये सारी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, और सबसे पहली बात कि सबसे मतलब ऐसा होता है कि कोई नया बंदा अगर कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा रहा है तो एक गलत इम्प्रेशन जाता है उधर, अगर आपका अच्छा ऑडिशन नहीं है या फिर आप बीच में डायलॉग्स वगैरह भूल रहे हो, तो मतलब वो बंदा आपको हमेशा याद रखेगा कि नहीं ये जब आया था मतलब ये पिछली बार इसका सही नहीं हुआ, भले इस बार आपका सही है, आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आ रहे हो, तो यही सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए पहले आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आप मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पर आपको लगे कि अच्छा सिखाते हैं, और मेरा भी ऐसा ही है कि मैं जब पहले गांव में था तो पहले मैं रिसर्च करता था कि नहीं कौन से, मैंने हर स्टूडेंट से बात करी है, हर एकेडमी के मैं रिव्यूज़ लेता था कि कैसी एकेडमी है क्या है, तो जब मैंने लेट साइड के मिले तो मेरे को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, और आज मैं सोचता हूँ कि हाँ ये मेरा मतलब या तो किस्मत थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बाकी जगह का मैंने मतलब बहुत कुछ ऐसा भी सुना है कि लाइक बताते कुछ और हैं और फिर मतलब करते काम कुछ और चलता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो मतलब दिखता है वही है सेम जो हम YouTube पर कभी देखा करते थे, और ये जो मैं बता पा रहा हूँ कि बिना ट्रेनिंग के क्या होता है क्या नहीं, ये भी मैंने लेट साइड के चैनल पे आपकी वीडियोस देखे, ये सब सीखा बंदा बिना सीखे ऑडिशन मत देना, क्योंकि ये गलती मैंने खुद ही की है। नहीं क्या होता है ना कि अगर लक्की अगर आपका किस्मत है, ठीक है, अगर मान लो कि गॉड ने आपको किस्मत दी और आपको काम मिल भी जाता है, तो एक दिन दो दिन तीसरे दिन डायरेक्टर भगा ही देगा, क्योंकि पता नहीं है ना आगे क्या कि आगे क्या करना है, ये भी नहीं पता कि कैमरा का एंगल किसको कहते हैं, क्लोजअप किसको कहते हैं, लॉन्ग शॉट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कब पोज लेना है, वो पहला दिन देगा, दूसरा दिन आपको मेंटेन करेगा, तीसरा दिन भगा देगा, और अगर वो आपको भगा देता तो पूरी इंडस्ट्री में आपकी नाम बदनामी हो जाएगी, फिर आपको काम नहीं मिल सकता। मेरे साथ भी हुआ था, मेरा आप देख लो कि मेरा इतना अच्छा किस्मत था कि मेरा लुक टेस्ट वगैरह के लिए हो गया था, क्या बात सही में सर, लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ से फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं बेटा सीखना है, पहले सीख उसके बाद फुड़ा, तो अभी सीख रहा हूँ, ये गलती कभी मत करना, सीखो, सीखते सीखते आपको खुद पता चलेगा, अभी अपन भी थे घर पे या इधर उधर, तो हम लोग को लगता था अरे यार ये एक्टिंग है क्या है, ऐसे जाएंगे वो डायलॉग बोलूँगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, वो एक्सप्रेशन दूंगा, वो ये करूँगा, एक्टर नहीं, आने के बाद पता चलता है कि एक्टर कहते किसको है, जो अभी मेरे को फील हो रहा है, अभी चाचा ड्रामा जो करना है ना वो मेरे को फील हो रहा है कि कैसे करना होता है, आप भी होगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेहनत किसको कहते हैं, एक्टर किसको कहते हैं, मेरे को तो लगता है एक्टर से बड़ा कोई मेहनत करने वाला है ही नहीं सर, क्योंकि वो 12-12 घंटे का टेक देता है, एक एक टेक 12-12 घंटे का होता है, क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। बोलना चाहूँगी कि आप ये गलती प्लीज़ मत करिएगा कि आप अपने घर से अपनी सिटी से गांव से डायरेक्ट उठ के आ रहे हो और यहाँ पे ऑडिशंस की लाइंस में लगे हुए हो, महीने महीने ऑडिशंस दे रहे हो, और इससे क्या होगा कि आप ऑडिशंस देते रहोगे, आपका रिजेक्शन पे रिजेक्शन होता रहेगा, इसके वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आप नेगेटिविटी में जाओगे,
तो ये सारी चीज़ें आप करते करते ऑडिशन देते देते आप बोलोगे नहीं, आप एक टाइम पे डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर बोलोगे नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, और आप बैग पैक करके वापस घर चले जाओ। सो मैं ये कहना चाहूँगी, आप सबसे पहले आइए, आप यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपना कोर्स कीजिए, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए कि अगर आप यहाँ से निकलने के बाद अगर एक फर्स्ट ऑडिशन भी दे रहे हो तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना उस ऑडिशन में डेप्थ होनी चाहिए, उसमें इतनी रियल एक्टिंग होनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी जाओ, बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस कहीं भी जाओ आप ऑडिशन देने, कि नहीं सामने वाला बंदा देख के बोले कि नहीं ये है, इसमें कुछ बात है कि नहीं ये कर सकता है या ये बहुत आगे जाएगा या बहुत कुछ कर सकता है। तो पहले आपको सीखना है फिर ही आपको ऑडिशन देनी है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे दोगे तो आपका जो इमेज है, आपका जो इम्प्रेशन है कि अगर एक प्रोडक्शन हाउस में कोई कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर्स है बैठे हुए हैं, उनने आपको आज देखा, अगर आप एक साल बाद भी वापस जाओगे ना तो जो आपकी एक्टिंग जो आपने अच्छी नहीं करी ना उसकी वजह से अगर एक साल बाद आप सीख कर भी जाते हो तो उन लोगों के माइंड में वो परसेप्शन बन चुका होगा कि यार ये वही बंदा है, ये वही बंदी है, एक साल पहले आई थी यार, नहीं नहीं इसको ठीक है हो गया ऑडिशन निकालो, तो वही चीज़ रहेगी। तो इसलिए आप पहले क्लासेस ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग कोर्स कीजिए, खुद को उस लायक बनाइए, उतना कैपेबल बनाइए, फिर जाके आप ऑडिशन दीजिए। जैसे कि हम सबको अगर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जैसे कि UPSC हो गया, BPSC हो गया, NDA हो गया, जो कुछ भी, अगर हमें उसको अपना करियर बनाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि अच्छे से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तब जाके उसको करते हैं। ऐसे तो सबको एग्जाम देता है, लेकिन क्या है कि जो अच्छे से प्रिपेयर रहता है, उस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया रहता है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। सेम वैसा ही हमारा बॉलीवुड है, अगर बॉलीवुड में आपको जाना है, बॉलीवुड में या फिर एक्टिंग फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा, क्योंकि ऑडिशन तो सबको ही देता है लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सबको इसमें सफल नहीं हो पाता है। उसकी सबसे एक खास एक ये भी वजह है कि लोग अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, तो यही होता है। अगर हम जाते हैं ऑडिशन देने, हमें कुछ पता नहीं रहता है क्या मार्किंग क्या होता है, कैमरा फोकस क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, ये सब जो भी है अगर हमें नहीं पता होता है तो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट जो हम लोग सोच के आते हैं वो नहीं कर पाते हैं, फिर डिमोटिवेट होकर हम लोग अपने घर चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, कहीं पे जाइए, लेटचक में ही आइए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर जाके तभी कुछ कीजिए, तभी जाके अच्छा एक्टर बनेंगे, तभी जाके एक एक्टर के तौर पर हम लोग सफल होंगे। सो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, विदाउट ट्रेनिंग मत जाइए कहीं पे, कहीं ऑडिशन मत दीजिए, क्योंकि देखो इस फील्ड में क्या है ना कि अगर एक बार किसी के नज़र में आ गए ना हम, तब अगर उसके सामने अपना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसा है, उसके सामने अपना बिहेव करते हैं, क्या उसको दिखाते हैं, अच्छा करेंगे तो हमको हर जगह बुलाएगा, अगर पहले बार में गई कहीं और कुछ करके आ गए खराब तो क्या सर, तो ऐसे ही होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही जाइए अच्छा से प्रिपेयर होकर जाइए कहीं भी, तब जाके उस चीज़ को करिए। सो मैं यही बोलना चाहूँगा। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना जो भी बंदा आते हैं न्यू जिनको नहीं पता होता है, जोश में आते हैं, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जोश में आते हैं तो वो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से तो कांटेक्ट निकाल ही लेंगे गूगल से, यहाँ वहाँ जो भी, कोई जेन्युइन बंदे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब गलत होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको फ्रॉड से भी आपको पाला पड़ेगा, वो बोलेगा तू 10,000 रुपये दे बेटा, अरे क्या लगता है क्या बोलता है तू, मेरे साथ खुद हुआ है, वो बोला 10,000 रुपये दे ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बोला सर एक बात बताओ, कैमरा ना आपका कहीं ना कुछ आप मेरे को उतराने से, अरे पोर्टफोलियो कराएंगे ना बेटा, तू वहाँ जाएगा कॉस्ट्यूम रहेगा ये वो डिजाइन, मैं बोला राधे राधे भैया मेरे को नहीं चाहिए, इतना तो नॉलेज है मेरे पास कि पैसे से नहीं खरीद सकता, वरना मेरा 10,000 रुपये उस दिन चला जाता। फिर वहाँ से फिर मेरा एक किस्मत था कि मेरा हो गया, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरे को यहाँ पे लगा कि साला मैं इतना दूर आया, गुजरात में मेरा बुलाया, लुक टेस्ट किया, उसके बाद रिजेक्ट, अब अपन सीख कर के आएगा। क्या बात है, क्या बात। और क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ऑडिशन जाना ही है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, पहले ना ट्रेनिंग ना कुछ लिया, और वहाँ पर पहुँच जाते हैं ऑडिशन देने, ऑडिशन देता है 10 से 15 से 20 उसने ऑडिशन दिए, और उसके बाद जब वो रिजेक्ट होता है उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाता है, और फिर वापस जाएगा वो गाँव, और फिर सब में फैलाएगा, इंडस्ट्री को बदनाम करेगा, नहीं नहीं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, लाइक कि ग्रुपिंग चलती है, जान पहचान चलता है, पैसा चलता है, और बेचारे जो 10 लोग ऐसे भी हैं कि जिनमें टैलेंट है जो कर सकते हैं आगे चल के, उसके चलते वो लोग भी फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम भी नहीं जाएंगे, मतलब उन लोगों का तक खराब होता है। तो ऐसा आई थिंक नहीं करना चाहिए, और आप लोग तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना,
और मुझे आप पे बिलीव है कि अगर आप लेट साइड के सब्सक्राइबर हो तो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। क्या बात है, एक से डेढ़ महीने पहले आए हुए स्टूडेंट्स और उनके मैच्योरिटी देखो। शुरुआत में ये मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उनका, शुरुआत में जब उन्होंने बात शुरू की तो थोड़े नर्वस थे, और अब जब इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है तो दे ऑल आर कॉन्फिडेंट। हो सकता है हम और एक घंटा भी शूट करें तो बात कर सकते, इतना कुछ उनके अंदर से निकल सकता है। कोई ट्राई कर चुका है, किसी को किसी ने पैसे मांगे, किसी ने आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है। तो सीख कर आइए, हम ये नहीं कहते कि आप लेट्स एक्ट में ही आइए। आप जहाँ सीखना चाहते हैं, जो टीचर आपको सही लगता है, जिस टीचर की बात समझ में आती है, वहाँ पर सीखिए। कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट गलत नहीं। स्कूल में एक बच्चा फेल होता है और वो बाहर जाके चिल्लाता है कि वो स्कूल ख़राब है, स्कूल ख़राब है, स्कूल ख़राब है, लेकिन 99 बच्चे तो पास हुए ना, तो स्कूल ख़राब है क्या, बच्चे में प्रॉब्लम है? तो वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं, तो कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ हर एक्टिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है, हर थिएटर वाला अच्छा है, अपने को जो सही लगता है वहाँ पे सीखने का काम कर रहे हैं। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है, मेक योर वीकनेस योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, इस लाइन पर ये पूरी स्टोरी बनी हुई है। तो अब इन एक्टर्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे इनकी स्क्रिप्ट पर काम होगा, कैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज पर काम होगा, किस प्रोसेस से हम लोग जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी वीडियो आपके लिए बनाओ, ताकि जो नहीं आ सकते वो घर बैठे उस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखे। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि इस शॉर्ट फिल्म की जो पूरी प्रोसेस है उससे रिलेटेड वीडियो हमको बनाइए दीजिए करके। कमेंट में आप लिखते नहीं हो कुछ तो हमको समझ में कैसे आएगा। तो जो छुपे रुस्तम सब्सक्राइबर्स है वो भी कमेंट करना शुरू करो, ओके? और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नेहा इन सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस ले रही है और जिस तरीके से ये एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और भी कुछ आर्टिस्ट है इसमें, छोटे छोटे रोल है उनके, तो आई एम डैम श्योर कि ये बहुत अच्छे से आप तक पहुँचेगी। ये शॉर्ट फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी और एक बहुत प्यारा सा मैसेज इसमें है जो एक्टिंग से रिलेटेड है। अभी पूरी कहानी हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। और आप में से ऐसे लोग जिन्होंने होप छोड़ दी है एक्टर बनने की, उनके लिए तो एक मोटिवेशन हो जाएगा, ये मैं डेफिनेटली जानता हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच लेट्स एक्ट के बारे में इतनी अच्छी बात कहने के लिए और आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैंने इस सेशन की शुरुआत करते वक्त ही बोला कि मेरे साथ है दीपिका, करीना, शाहरुख, सलमान और वो अक्षय, तो ये आज नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये आज भी स्टार से कम नहीं है। हर वो पैशनेट बंदा, हर वो जिसमें जुनून है, वो कल का सुपरस्टार है। अगर वैसा नहीं होता तो आज कार्तिक आर्यन इस इंडस्ट्री में रूल नहीं करता। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट वर्क हार्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।